गाइस, मैंने आप सभी भाइयों से वादा करा था कि मैं अपना बेस चेंज करूंगा। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे की तरफ, मैं थोड़ा बहुत अपने घर को मॉडिफाई कर रहा हूं। एंड आज का एपिसोड काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं डो पालो को यार पावरफुल बनाने वाला हूं, और डो पालो को लेकर के बॉस बटल भी, बहुत सारे बॉस बटल भी करने वाला हूं। बहुत सारे तो नहीं, बट एटलीस्ट 2-3 बॉस को तो हराने की कोशिश करूंगा। ठीक है यार, पहला जो पाल मैं लेकर के जाने वाला हूं वो है ऑर्ज़रक। एंड दूसरा जो पाल मैं लेकर के जाने वाला हूं वो है गाइस, मैंने कल उस बॉस को यार हराया था, एंड उस बॉस का नाम है मेनेस्टिंग, क्योंकि मुझे मेनेस्टिंग का और थोड़ा सा पावर जानना है। बाकी चलो गाइस, आप लोगों को घर दिखा देता हूं। ये सारे के सारे चीजें अपग्रेडेड मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे सारे के सारे चीज़ों में मैं कुछ ना कुछ स्टोन फाउंडेशन वगैरह लगा दूंगा। एंड मैं अपना घर थोड़ा सा कैसल टाइप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं गाइस कैसे बनेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इधर आते ही गाइस आप लोगों को दरवाजा देखने को मिल रहा है। एंड गाइस इधर ना मैं ढेर सारे पेड़ पौधे लगा दूंगा, यहाँ पे कोने पे भी लगा दूंगा। ओके, तो ऐसे खुलेगा दरवाजा। एंड घर खुलते ही जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने पाल स्पीयर लाइन 2 यहाँ पर बना दिया। जैसे कि देख पा रहे हो, आप यहाँ पर आराम से पाल बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा बॉस अनुबिस क्या कर रहा है पता नहीं। ओके, यहाँ पे मैं एक पाल को सेट कर दूंगा। एंड मैं यहाँ पे एक फीड बॉक्स भी लगा रहा हूँ, ताकि यहाँ पर जो काम करने वाले पाल जो होंगे, उन लोग को जब भूख लगेंगे तो इधर से खाएंगे, ठीक है। एंड गाइस और दिखाता हूँ, चलो गाइस ऊपर। ओके, ये देखो गाइस, ये है स्टोरेज एरिया। यहाँ पे मैंने ढेर सारे स्टोरेज करके रखा हूँ। एक मिनट गाइस, दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि देख पा रहे हो, कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एंड यहाँ पे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं रखा हूँ, ठीक है। एंड गाइस बाकी मेरे मशीन्स वगैरह सब कुछ स्टोर्ड है, उन मशीन्स को भी मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसे कि देख पा रहे हो, ये है मेरा पाल कंडेंसेशन। ये गाइस हो, ये गाइस फैन ग्लोब वगैरह केटरेस वगैरह तो इधर ही है। क्यों ये हवा में है पता है? क्योंकि एक मिनट, क्योंकि गाइस मैंने यार व्यूइंग केज तोड़ दिया था, ठीक है। एनीवेज गाइस, ये है पाल कंडेंसेशन मशीन। गाइस ये घर बहुत ही बड़ा बनने वाला है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा बनाऊंगा, कैसल टाइप बनाऊंगा, बहुत ही कमाल का होने वाला। ऊपर में भी कुछ सेक्शंस होंगे काम करने के, कुछ सेक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इधर एक पाल कंडेंसेशन है। तो फटाक से अब मैं जो चीज करने वाला हूं, मैं ऑर्ज़रक को ताकतवर बनाने वाला हूं, ठीक है। बट ऑर्ज़रक को ताकतवर बनाने से पहले आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही कमाल का न्यूज है, तो चलो फटाक से उस न्यूज के बारे में जान लेते हैं, एंड देन गाइस गेम के अंदर लौट के आएंगे। हे मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही कमाल का एंड सुपर एक्साइटिंग न्यूज है, एंड मैं ये न्यूज आप सभी भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं अभी केयरबज ऐप के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूं, जहां पर फ्री डोनेशंस किया जा सकेगा। गाइस मैं अपना सेटअप अपग्रेड करने वाला हूँ एक न्यू मैकेनिकल कीबोर्ड लेकर के। एंड उस कीबोर्ड के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है केयरबज ऐप पे, ठीक है। बट इसके लिए आप सभी भाइयों का सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आपका सपोर्ट ही इस कीबोर्ड को मुझे खरीदने में हेल्प करेगा। बट ये नहीं कि आप लोगों को कोई पैसा दे के मुझे डोनेशन देना पड़ेगा, मतलब कोई पैसा वैसा देना है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा ताकि आप लोग मुझे ये कीबोर्ड दिला सको? आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, खाली केयरबज ऐप आप लोगों को डाउनलोड करके मेरे इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है, ठीक है। लिंक देके रखा हूँ गाइस, कमेंट सेक्शन पे भी गाइस लिंक है, एंड साथ ही साथ गाइस मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ है, ठीक है। और आप सभी भाइयों के लिए भी एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज क्या है पता है? मैं जो कीबोर्ड खरीदने जा रहा हूँ, मतलब जितने भी भाई लोग मेरे को सपोर्ट करोगे इस कीबोर्ड इनिशिएटिव पे, तो एक सेम कीबोर्ड, मेरे जैसा एक सेम मैकेनिकल कीबोर्ड आप में से एक भाई को मिलने वाला है। सो गाइस, स्टेप्स एकदम सिंपल है। स्टेप 1, केयरबस ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, दिए गए लिंक से। स्टेप टू ये है कि मेरे इनिशिएटिव को आप लोग सपोर्ट करो। आप लोगों को कीबोर्ड दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो कीबोर्ड में जा करके आप लोग सपोर्ट दिखा देना, नीचे आप लोगों को प्रेस करके आप लोग मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो। स्टेप 3, आप लोगों ने अगर पार्टिसिपेट कर लिया तो कमेंट सेक्शन में जो मैंने पिन कमेंट देके रखा है, वहां पर आप लोग कमेंट करो कि आई एम इन, ठीक है। जिन जिन भाई लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब जितने भी भाई लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, तो सारे के सारे भाई लोग कमेंट करो, मेरे कमेंट के नीचे ही लेकिन कमेंट करो कि हाँ मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। एंट्री कंप्लीट या फिर आई एम इन, ऐसे करके आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस यही चीज करना है। तो दिल से थैंक यू, एंड आप में से एक भाई को भी मेरे जैसा एक सेम कीबोर्ड मिलेगा। एंड ये सब हो रहा है
बिना पैसे के। ठीक है, चलो गाइस अब वीडियो पे कूदते हैं। तो गाइस देख लेना, तो डेफिनेटली यार सपोर्ट जरूर से कर देना, क्योंकि मुझे वो न्यू मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदना है। एंड मतलब आप लोग यार कुछ पैसा वैसा मत दो, जाकर के खाली केयरबस ऐप को डाउनलोड करो एंड मेरे को सपोर्ट करो। एंड जितने भी भाई लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो यार, कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ही मैंने अपना पिन कमेंट करके रखा हूँ, वहां पर जितने भी भाई लोग ने पार्टिसिपेट करा है आई मीन करके आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिर आप में से एक भाई को ही मैं चूज करके, मतलब रैंडमली चूज होंगे, ठीक है। एंड आप में से एक भाई को वही, मतलब मैं जो मैकेनिकल कीबोर्ड लेने वाला हूँ आप लोगों को भी मिलने वाला, आप में से एक भाई को भी मिलने वाला। एनीवेज गाइस मेरे यहाँ पर आप लोग, एक मिनट गाइस, मेरे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कितने सारे, लिटरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और जर्क है। एंड अभी मैं पाल कॉन्डेंसेशन में सबसे ओपी वाले और जर्क को बनाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग एक मिनट पहले से देखेंगे, इसका हेल्थ 568, अटैक 111, ये देखो अटैक देखो 149, इसका तो बहुत बढ़िया है यार। 149 इज़ अ वेरी गुड स्टैट्स यार, अटैक और डिफेंस। लेकिन डिफेंस खराब है इसका, अटैक ठीक है लेकिन डिफेंस खराब है। बस जैसे कि देख पा रहे इसका 100 एंड डिफेंस थोड़ा सा अच्छा है। एंड इसका 132 एंड 58, ओके नॉट बैड। इसका देखते हैं 57, 111, 58, ओके, 138, 49, ओके। एंड ऑल्सो गाइज ये देखो इसका तो एकदम कम है, ओके गाइस अब तक तो 149 वाला सबसे बेस्ट लगा मेरे को, ओके। देखते हैं यहाँ पर भी देखते हुए जा रहे हैं गाइस, जैसे कि आप लोग 151, इसका तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन डिफेंस इसका भी बहुत ख़राब है यार। इसका डिफेंस 49 है, डिफेंस इज़ वेरी नेसेसरी यार। आई नो गाइस अटैक इज नेसेसरी बट डिफेंस इज ऑल्सो नेसेसरी। एंड जैसे कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो 567 एंड ये देखो 568, ठीक है। एंड ओके और देखते हैं कमाल का। और यार जिनके पास अच्छे पैसिव, इसके पास तो बहुत अच्छा पैसिव है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसका पैसिव, आप लोग देखो क्लियरली इसका पैसिव। एक मिनट देखो, स्विफ्ट, पॉजिटिव थिंकर, बोटेनिकल बैरियर, ठीक है, सनटैन लवर, ओके। एंड और एक देखते हैं, नो ओके एंड 133, 134। गाइस एक चीज़ में आश्चर्यचकित हो गया, इसका आप लोग ये देखो 151 फेरोशियस के कारण इसका अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेकिन डिफेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया। बट मेरे को सबसे जो अच्छा लगा ना, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार, 49 डिफेंस। और इसका अच्छा था ना, और किसका अच्छा था डिफेंस, एक मिनट यार एक कमाल के ऑर्जर को चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, एक कमाल के ऑर्जर को चूज़ करना पड़ेगा। वाओ गाइस इसका तो बहुत बढ़िया है यार, इसका तो बहुत बढ़िया है यार, स्विफ्ट और सीरियस, ठीक है। Approximately 10 hours later, बहुत सोचा एंड सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। और जरक ये वाला, आई नो इसका यार अटैक थोड़ा सा कम है बट डिफेंस इसका एकदम अच्छा है, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको ही मैं ताकतवर बनाऊंगा, इसको चूज करूंगा जिसका 151 था, ठीक है, 149 वाले को भी चूज करूंगा डेफिनेटली। एंड बहुत ज़्यादा ताकतवर मैं इसको बनाने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये ताकतवर बन जाएगा आने वाले समय में, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगा। आप लोग बोलोगे कि यार ये तो बॉस और जर्क से भी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो चलो गाइस इसको फटाक से पावरफुल बना लेते हैं यार, मज़ा सा आ जाएगा यार, मैं काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ एंड काफ़ी नर्वस भी फील कर रहा हूँ, चलो पता नहीं क्या होगा। बिगेन कॉन्डेंसेशन, ओके गाइस माय न्यू पाल इज रेडी, आई थिंक गाइस मेरा न्यू पाल यही है ना, नहीं गाइस मेरा न्यू पाल तो इधर ही कहीं पे होगा, ये रहा गाइस। जैसे कि देख पा रहा हूँ अब इसका अटैक बढ़ गया, इसका डिफेंस भी बढ़ गया, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे, ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्जरक मैं बनाने वाला हूँ एंड ये वादा है मेरा गाइस, ये वादा है डेफिनेटली। ओके बिगेन कॉन्डेंसेशन, अब ये क्या हो गया, ओके ये लेवल 3 में आ गया है ना गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो, अच्छा लेवल 2 में आ गया है। अब 147 एंड 63 डिफेंस, अब इसको नेक्स्ट अपग्रेड करने के लिए मेरे को 32 चाहिए होगा। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं यार, लेवल 1 में ही 568 हेल्थ इज वेरी गुड, ठीक है, 568 है ना, हाँ इस, ओ नहीं 568 ने 649 हेल्थ, अभी 621 है इसका, 123 अटैक एंड डिफेंस 63, बहुत बढ़िया, सीरियसली बहुत बढ़िया। अब ऑर्जरक को अपने टीम में ले लेता हूँ एंड चलो गाइस इधर से निकलता हूँ, क्योंकि आज मुझे 2-3 पावरफुल बॉसों को हराना है। आज पहले तो गाइस मैं इस छुपे हुए LGB को ढूंढने वाला हूँ, ये छिपा हुआ LGB मे बी गाइस इधर ही कहीं पे एक गुफा होगा, उसके अंदर ही गुफा में छिपी हुई होगी, ठीक है। तो चलो गाइस अपने टीम को फटाक से रेडी कर लेता हूँ एंड LGB के पास चलता हूँ। एंड तू हवा में क्यों उड़ रहा था यार मोसंडा? 2 hours later.
बहुत दिनों से गाइस मैं एलजीबी बॉस को ढूंढ रहा हूँ। एंड हाँ गाइस, और एक चीज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने ना फैन ग्लोब बॉस को ले लिया है, क्योंकि फैन ग्लोब यार डबल जंप कर सकता है। ठीक है, ओके, मारो मारो, जल्दी से मारो। एंड ऑर्जरक को भी लेकर के आया हूँ। एंड ऑर्जरक तो यार लेवल 10 में पहुंच ही चुका है। मारो मारो, एसिड रेन यूज कर रहा है भाई, एसिड रेन यूज कर, खत्म। तो चलो इसके ऊपर राइड लेकर के देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर राइड लेने में ही मजा आता है। एनीवेज, ओ वाओ, देख रहे हो, अरे बाप रे, इसका स्पीड तो बहुत बढ़िया है। He is nice, यार। फैन ग्लोब कमाल का है। अब यार एल जी बी का गुफा कहाँ पर हो सकता है गाइस? क्या लगता है, एल जी बी का गुफा इधर ही कहीं पे होगा? कहाँ पे हो सकता है वैसे? क्या लगता है गाइस? मुझे लग रहा है इस तरफ हो सकता है एल जी बी का गुफा। ठीक है, एनीवे चलो गाइस जाते हैं। ये काफ़ी तेजी से जा रहा है यार, लिटरली ये कितना तेजी से जा रहा है यार। वाओ, लेट्स गो बॉय, हट जाओ, मेरे सामने जो आएगा ना यार खटिया खड़ी करके रख देंगे। ठीक है, ओके चलो, केट्रेस के साथ पंगा लेते हैं। एक्वागन यूज़ कर ले। ओ अच्छा, इसका स्टेमिना है ही नहीं। ओके, एक्वागन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। एसिड रेन, अच्छा, मेरे साथ लड़ोगे, कैसा लगा? एक्वागन, ओके, फिर से लड़ेंगे। मेरे को छुएगा तुम? इसने तो मेरे को जला दिया। केट्रेस, तुमने मेरे को जला दिया ना, ये तुमने बहुत गलत करा। ये लो, ओके, देख केट्रेस, मेरे पास बहुत ही ताकतवर बल है। ओ शिट, अरे यार डॉज ही नहीं कर पाया यार, शिट। अब तो यार केट्रेस, तुम्हें यार एक्वा गन से फिर से हमला करना पड़ेगा। केट्रेस तुम रुक तो जाओ। ये ले, कैसा लगा? हैं, अच्छा डार्क बॉल यूज कर रहे हो, रुको। एक्वा गन, ओके, मैं ये मजाल है। एसिड रेन, चल, भागले। ये एसिड रेन कहाँ पे जा रहे है? एसिडेंट कहीं और पे चला गया। अच्छा, एसिडेंट चेस कर रही है। ठीक है, ओके, एक्वा गन एंड खत्म। नहीं, क्लाउड, ये भाई बच गए। केट्रेस, तुमको मैं अब सीरियसली ख़त्म करने वाला हूँ। एक्वागन फाइनली ख़त्म। अब एक मिनट गाइस, मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं एल जी बी का सैडल ढूंढ रहा था। रे सैडल नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ, एल जी बी का गुफा ढूंढ रहा था। यानी इतने रात में गुफाओं को ढूंढना भी यार इज़ अ वेरी टफ थिंग, बट ढूंढना तो पड़ेगा। क्या गाइस फैन ग्लोब डबल जंप करके एक ही बार में इस चढ़ाई को कंप्लीट कर पाएगा? देखते हैं। एक दो, वाओ फैन ग्लोब, तू ओपी है, सीरियसली तू ओपी, मतलब तू बहुत ज़्यादा ओपी है यार। ओके, फटाक से देखते हैं। मैंने ये क्या है, अच्छा गेल ग्लो ऐसे सोता है क्या? गेल ग्लो तो कितना छोटा लग रहा है यार। ये सीरियसली, ये ना एकदम भाई लोग यार, एकदम कोबालियन की तरह है। यानी इसको देखो, ओके मुझे देखना पड़ेगा इसका गुफा। मैंने बोला ना गाइस, इसका गुफा कहीं इस पे हो सकता है। ठीक है, लेट्स फाइंड हिज गुफा। इसका गुफा तो आज मैं ढूंढ करके ही छोड़ूंगा, आज एलजीबी बॉस को मैं हरा करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, ओके, क्या नीचे जाना चाहिए मुझे? आई थिंक गाइस मुझे नीचे जाना चाहिए, लेट्स गो। ओके, मैं नीचे आ चुका हूँ। मैंने बोला था ना कि इसका गुफा, एलजीबी का गुफा इधर ही कहीं पे होगा, एंड मुझे गुफा मिल चुका है। तो चलो गाइस गुफा के अंदर घुसते हैं, अब मजा आने वाला है ना ब्रो, अब मजा आने वाला है। ओके, क्लियरली गाइस ये वैसे एलजीबी का गुफा होगा कि नहीं? आई थिंक गाइस ये एलजीबी का गुफा ही होगा। चलो फैन ग्लोब को फिर से निकाल लेता हूँ। फैन ग्लोब, चल ले यार एलजीबी। वाह, इसके साथ भी पंगा ले लो क्या? नहीं, सीधा एलजीबी के साथ ही पंगा लेंगे। एलजीबी को हराने के लिए आए हैं तो डेफिनेटली एलजीबी को ही हराएंगे ना, उल्टा पुल्टा डायरेक्शन में नहीं भटकेंगे। ठीक है, ओके, बहुत सारे केट्रेस हैं, एंड केट्रेस अटैक करेंगे, खामखा अटैक करेंगे। तो आप गाइस जैसे कि देख पर, आप यहाँ पे दो हिस्सों में बट गए हैं। ओके, अब शायद से मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा एलजीबी को ढूंढ करके। ओ माय गॉड, आई थिंक गाइस आई एम इन द लोकेशन। ठीक है, अब उतर जाते हैं, तू भी आ जा। अब शायद से गाइस मुझे स्कॉर्पियन किंग को निकालना पड़ेगा। स्कॉर्पियन किंग, तेरे को एक एक को मारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक एक को नहीं, सारे को मारना पड़ेगा। अगर ये हलकट को ना लगे कि सिर्फ एक ही को मारना है, ठीक है, तेरे को सभी को मारना है। मैं तो छिप जाता हूँ। एंड बी ग्रेड, ढेर सारे बी ग्रेड हैं यहाँ पर। तुम लोगों की रानी कहाँ पे है बताओ? हैं, ये गोली क्यों नहीं लग रहा है? एंड टू तो अटैक कर ले एटलीस्ट तुम लोग की। ओके, अब तू लग जा अपने काम पे।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्कॉर्पियन किंग जल्दी से मार स्कॉर्पियन किंग, बहुत बढ़िया, नाइस वन स्कॉर्पियन किंग। ओपी इन द कमेंट सेक्शन बॉयज, ओके जल्दी से मार ले, जल्दी से मार ले। मैं ऑर्जरक को भी खिलाऊंगा, डेफिनेटली मैं ऑर्जरक को भी खिलाऊंगा। एनीवेज गाइस, अब मैं सही जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे, लर्न स्पार्क ब्लास्ट, वाओ। वैसे गाइस जैसे कि देख पा रहा हूँ, हाँ मैं तो सही जा रहा हूँ। एंड इधर तो ये रास्ता बंद है, इस बंद रास्ते में मैं कहाँ पे जाऊँ, ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ कहाँ पे? ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है यार, ऊपर की तरफ कुछ भी मतलब कुछ हो नहीं है ब्रो। चल चल वेट ए मिनट, अरे उतर ले यार भाई, उतर ले। ओके तो मैं गलत कर रहा हूँ, मे बी मुझे इस तरफ नहीं, मुझे कहीं इस तरफ ही जाना पड़ेगा। आई थिंक सो आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन नाउ, यस अब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तू आजा स्कॉर्पियन किंग, ठीक है, तू इस गुफा में फिट नहीं होगा यार। हाँ ये गुफा में, इस वाले गुफा में तो ये फिट नहीं होगा। अब मुझे लग रहा है अब बॉस फाइट होने वाला है, कुछ सीरियस बॉस फाइट होने वाला है, एलजीबी क्वीन के साथ सीरियस बॉस फाइट होने वाला है यार। एंड मैं यार वेरी सीरियस यार, मैं आई एम वेरी वेरी सीरियस, ठीक है, मुझे सीरियस रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सीरियस खाता भी हूँ, मैं सीरियस खाता हूँ, सीरियस नहीं खाता हूँ, मैं सीरियल खाता हूँ, सीरियल, ठीक है, जैसे ओट्स वगैरह हो गया। एनीवेज बेकार के जोक्स मारना बंद कर देता हूँ। एंड हाँ एलजीबी के पास मैं पहुँच चुका हूँ, आर्मर इज डैमेज, वेपन इज डैमेज, भाई सब कुछ डैमेज ही है यार। एंड जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी, ये क्या है, फेल बैट। चलो इन लोगों को थोड़ा सा जल्दी से मारने के लिए मुझे यार क्या कर रहा हूँ यार, मुझे यार निकाल लेना पड़ेगा अपने ब्लेज हाउल को। ब्लेज हाउल इज अ फायर टाइप, ठीक है, जल्दी से ब्लेज हाउल इन लोगों को मार, सोटे हुए ही मार दे। गुड 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 गुड, सोटे हुए ही मार देगा, ये तो गया आई थिंक। अरे यार तुम्हारी बहन मर गई यार, एंड तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा? ये भाई तो किस प्रकार का, एंड तेरे को क्या हो गया? ओह शिट, ये पता नहीं, तू इसको ही मार ले, इसको ही मार ले, ब्लेज आउट इसको ही मार ले। ओके गुड 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 गुड, ये मेरे ऊपर अटैक करेगी, बिगड़ेड मेरे ऊपर अटैक करेगी फॉर श्योर। लेकिन यार मानना पड़ेगा, तुम लोग यार कुंभकर्ण की जैसे सोते हो यार, जैसे कि देख पड़ोगे ये लोग अभी भी सो रहे। ये भाई ब्लेज आउट इसको भी मार ही डाल यार इसको। शिट, मेरे को इतने गंदे तरीके से फेल बैट यार, फेल बैट तेरी ये मजाल, तू मेरे को मारने के लिए आ रहा है? ब्लेज आउट मार, सारे के सारे को मार, सारे के सारे को मार, ठीक है, खत्म कर खत्म कर। अरे ये फूटने वाला है ब्रिगेड, शिट, ओ यार फेल बैट मर चुका फेल बैट ही मर गया यार इसके धमाके के कारण। ओके तो अब मुझे ढूंढना पड़ेगा रानी को। रानी, वेयर आर यू रानी? One eternity later. मैं पिछले एक घंटे से यार केव में ढूंढ रहा था एलजीबी को, बट मैं कितना मूर्ख हूँ यार, एलजीबी का केव ये है यार, ये है डिवाउस माइंड शाफ्ट यार। यार सीरियसली यार बोल, तू तो सीरियसली यार नूब है यार। एनीवेज यार चलो अपने यार नूब बोल भाई को अभी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कुछ प्रो जैसा काम कर सकता है, ठीक है। तो एलजीबी बॉस को मैं दो तीन फटके में मारने की कोशिश। गाइस बी ग्रेट्स, बी ग्रेड से अब एक ही जन बी ग्रेडों को आराम से उड़ा सकता है। तू आ जा, तुम आ जाओ, एंड चल तू जा ले ब्लेज आउट, तू तो फायर टाइप है, ये तो अटक ही चुका है यार, ये अटक ही चुका है। मैं ये क्राउच डाउन होकर के ऐसे जाऊंगा, जा ब्लेज आउट, थोड़ा सा फटका दे, थोड़ा सा फटका दे। ये क्या कर रहा है, ये मार रहा है कि नहीं बी ग्रेडों को ये भाई? ओके मार रहा है, ये मार रहा है, मार 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 ले, मैं भी अटैक करता हूँ। शेट यार, शेट गाइज गलत ही सीन हो रहा है यार, मेरे साथ तो गलत ही सीन हो रहा है। एंड ये लोग फूटेंगे 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 फूटेंगे। ओके ये एक तो गई, एक तो बी ग्रेड गई, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा गाइज, अब मैं मैनेस्टिंग को भेज जाऊंगा। मैनेस्टिंग टू जा। शिट गाइज एलजीबी यार बाहर आ चुकी है, आई मीन गाइज मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। ओके ओके बी ग्रेड तू जल्दी से मर ले, तू जल्दी से मर ले। जैसे ही गाइज ये तो मेरे पास ही आ रही है, ये तो ओ ये भी गई, ऑलमोस्ट ये भी गई, खत्म। ओके मैंने ही इनको मार दिया। आप गाइस मैं अंडर के तरफ जाने वाला हूँ एंड एलजीबी बॉस को मारने वाला हूँ। ये लो शिट, अब इसके साथ लड़ो 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 लड़ो। जैसे ही लड़ेंगे मैं इधर से निकल जाऊँगा, खत्म। आ खत्म नहीं हुई यार, एलजीबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यार, ये तो हम लोगों को पता है क्योंकि मेरे टीम में ही एक एलजीबी है जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। एंड गाइस मैं हाइपर स्पेयर से इनको पकड़ने वाला हूँ फॉर श्योर। ये बॉस एलजीबी है तो ये तो और भी ज़्यादा ताकतवर होगी, ठीक है। और देख रहे हो ये ट्राइडेंट, देख रहे हो यार इनका सबसे खतरनाक हथियार ये ट्राइडेंट है। एंड यार मुझे चुप के रहना पड़ेगा, बट यार अनुबिस के लिए ये सब एलजीबी फेलजीबी ये सब कुछ मायने ही नहीं रखता, ठीक है, मायने ही नहीं रखता यार। He can defeat any bee, यार।
एंड एलजी भी थोड़ी ना वेस्पी क्वीन की तरह भी है यार। पोकेमोन में आप लोग वेस्पी क्वीन को पहचानते हो ना, मेरे को थोड़ा सा वेस्पी क्वीन की तरह लगती है ये एलजी भी। ओके कमान अनुबिस, कमान अनुबिस, खत्म कर खत्म कर, खत्म नहीं कर रहे। ओह गुड 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 गुड, ओके नाइस 773। ओके ओ शिट, मैं तो भागता हूँ, मैं कहीं पे अटक चुका हूँ, मैं सीरियसली कहीं पे अटक चुका हूँ गाइस। ओके भाग ले ओह शिट, मेरा तो यार फुल ऑन ये टूट चुका है, मेरा फुल ऑन टूट चुका है शील्ड। ओ खतरनाक फटका एंड आई थिंक अब मैं पकड़ पाऊंगा ये। मैंने एक तो ऐसे ही बर्बाद कर दिया, एक तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया यार। चलो एलजीबी बहुत हो गया, आ जाओ, बहुत हो गया, आ जाओ यार, खेल तमाशा बहुत हो गया। अच्छा नहीं आना चाहते हो, इस बार तो तुम डेफिनेटली आओगे ही, मुझे पता है, आ जाओ। नहीं यार अल्ट्रा स्पीयर से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे यार महारानी साहिबा, प्लीज। ओके आ जाएगी, आगे फाइनली यार एलजीबी को भी मैंने पकड़ ही लिया। ओके अब इधर से निकलते हैं, ठीक है। एलजीबी बॉस को मैंने हरा दिया, अब मैं जाने वाला हूँ कहाँ पर। एंड ये लोग मेरे को अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं यार, मुझे ना इन लोगों को पकड़ लेना चाहिए। पकड़ूँ कि नहीं पकड़ूँ, नहीं पकड़ेंगे यार, नहीं पकड़ेंगे। अब मैं किसको डिफीट करने वाला हूँ, अब मैं डिफीट करने वाला हूँ, एक मिनट, यहाँ पर एक बॉस है एंड उस दिन ये बॉस मेरे को नहीं मिला था, कहाँ पर चला गया, ये है ब्रॉन्चेरी एक्वा। एंड आज ना ब्रॉन्चेरी एक्वा वर्सेस मैं करने वाला हूँ किन को, मैं करने वाला हूँ यस नॉन अंडर एन ऑर्जड्रक, ठीक है, ऑर्जड्रक को ही भेजने वाला हूँ यार। ऑर्जड्रक वर्सेस ब्रॉन्चेरी एक्वा होने वाला है, तो पहले तो इधर से निकल लेते हैं, ठीक है, पहले इधर से निकलते हैं। बट मुझे सीरियसली गाइज बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये फैन ग्लोब। अरे यार ये लोग ना, एक मिनट, इन लोगों के साथ भी बदल करते हैं। चलो तुम आ जाओ, तुम जाओ और जर्क मारो और जर्क मारेगा अभी। ओ इसका यार ताकत आप लोग देख पा रहे हो, और जर्क मार क्या कर रहा है, मैं ही इसको मार देता हूँ, हेडशॉट दे दिया हूँ। पता नहीं इसको क्या हो गया, ये रुक क्यों गया यार, व्हाट इज दिस, इसने तो एक ट्राइडेंट फेंक दिया यार, और इसके पास तो एक ट्राइडेंट है, क्या भाई क्या देखने को मिल रहा है यार, सीरियसली तेरे पास एक ट्राइडेंट अटैक है क्या, व्हाट आर यू बडी, थोड़ा सा आ जा, तेरे को थोड़ा सा प्यार कर देता हूँ, आ जा, मैं हानि खाएगा क्या, ये ले हानि खा, बट मानना पड़ेगा ब्रो तू काफ़ी शक्तिशाली है यार, तो अब तू आ जा यार। वाह अरे मैंने फिर से इसको ही निकाल लिया, फैन ग्लोब तुम आ जाओ, मेरे को अब इधर से निकलना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज एन एग, अबे अंडा वंडा नहीं चाहिए, ठीक है, ओके लेट्स गो। बट फैन ग्लोब को देख रहा हो, फैन ग्लोब को देख रहा हो, कहीं पे भी चढ़ सकता है डबल जंप कर करके, ठीक है। एंड मैंने सुना है कि पेल्डियस ना ट्रिपल जंप कर सकता है, पेल्डियस ट्रिपल जंप कर सकता है, यस। एंड और कौन कौन ट्रिपल जंप कर सकता है, क्या आप लोग मुझे बोल सकते हैं और कौन कौन ट्रिपल जंप कर सकता है। ओके वेट अ मिनट, अरे रुक जा यार, रुक जा, मैं अब क्या करने वाला हूँ, अपने ऑर्जर्क को थोड़ा सा और ज़्यादा शक्तिशाली बनाऊंगा, ठीक है, फाइट कर, ही इज़ गोइंग टू यूज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव मूव। भाई इसका तो बैटल देखना पड़ेगा, ये त्रिशूल मार रहा है, ए भाई यार क्या ताकतवर है यार, लिटरली इतना ताकतवर होगा मैंने सोचा भी नहीं था यार, किसी ने भी नहीं सोचा था कि दिस गार्चम लाइक थिंग इज सो पावरफुल। भाई ये सीरियसली इतना पावरफुल है क्या, इतना भी पावरफुल कौन हो सकता है यार, हाँ, अब मेरा टीम इतना पावरफुल बन रहा है ना, अब मज़ा आने वाला यार, अब सीरियसली कुछ दिन और वेट कर लो, ये फाड़ के रख देंगे यार, जो भी लेजेंडरी यार मेरे सामने क्यों ना आ जाए बरो, फाड़ के रख देंगे, ठीक है। अब चलो एक मिनट फास्ट ट्रैवल करेंगे, ब्रॉन्चेरी एक्वा आई एम कमिंग फॉर यू, ठीक है, ये है, तो मैं इधर फास्ट ट्रैवल करने वाला हूँ, लेट्स गो। ओके नाउ ब्रॉन्चेरी एक्वा कहीं पे गुफा में ही होगी, ठीक है, कहीं गुफा में ही होगी, सो लेट्स गो ट्रिपल जंप, यप। एंड मेरे को यार रिलैक्सोसॉर से कमाल के पैसिव वाला एक रिलैक्सोसॉर चाहिए था। एनीवेज गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपने ऑर्ग्रक को और ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा, और कैसे पावरफुल बनाऊंगा, तू आ जा, मैं अगर रिलैक्सोसॉरसों के साथ बदल करवाऊंगा, कहाँ पे चले गए रिलैक्सोसॉरस, तो मेरा ऑर्ग्रक और ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, बट मेरे को रिलैक्सोसॉरस दिखाई नहीं दे रहा अभी, सीरियसली। ओके वो रहा, अब मज़ा आने वाला है, मैं इधर छिप जाता हूँ एंड तू जा ले बेटे, अब मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। क्या कर रहा है, बैटल नहीं करेगा क्या,
मैं तो यार कैमरा रेडी करके रखा था, मैं कैमरा रेडी करके था यार। ओके, 1 2 3 डन। अब चल चल ले चल ले चल ले। ओके गाइस, ये एक बहुत ही फंटास्टिक मूव मारने जा रहा है एंड इस मूव से दोनों ही रिलैक्सोसोरस को फिर से उड़ा दिया। ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, मैंने बोला ना ये कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। ओके, अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे ढेर सारे सिंडिकेट ठग है, अब मैं एक काम करूँगा सिंडिकेट ठगों को मारने के लिए इसको फिर से भेजूँगा। जा जा ले ब्रो, जा ले। यार तू क्यों अटैक नहीं कर रहा यार? इसको लग रहा है कि ये लोग यार कुछ ज़्यादा ही यार ईजी हैं इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। अरे भाई तेरे को लड़ना चाहिए था, अब लड़ेगा अब लड़ेगा। जाले 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 जाले। ओके, ये खतरनाक मूव मार रहा है एंड इस खतरनाक मूव से यार फिर से सारे के सारे जितने भी थे खत्म हो गए भाई। यार क्यों इतना शक्तिशाली? चलो यार इसके साथ बात करना ही बेकार है यार, ये शक्तिशाली है एंड ये शक्तिशाली है, बस यही कहना चाहूँगा। एनीवेज चलो इधर से ले लेते हैं कुछ चीज़ें। ओके, अब ब्राउन चेरी एक्वा कहीं इधर ही कहीं पे होगी, ठीक है। इनका गुफा कहाँ पे हो सकता है? अरे भाई ब्राउन चेरी एक्वा को भी हराने जाना है एंड ये तो सो गया, लेकिन ये खूबसूरत है यार, ये एकदम कोबालियन की तरह है ना गाइस, ये कोबालियन की तरह ही यार, आप लोग जितना भी बोल ना लो यार, ये कोबालियन की तरह ही है यार। एंड आप लोग भी मेरे साथ यार मेरे इस बात पे आप लोग यार सपोर्ट दिखाओगे कि हाँ बोल भाई ये कोबालियन की तरह ही है। तो चलो यार अब मैं ढूंढता हूँ ब्राउन चेरी एक्वा को। ओके ब्राउन चेरी एक्वा, आई एम कमिंग फॉर यू, आई एम कमिंग फॉर यू ब्राउन चेरी एक्वा। पानी टाइप है, वाटर टाइप है, सो उनका केव शायद से यार नीचे हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके ओके, मैं पानी के तरफ आ ही रहा हूँ। ओके ओके ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। काफ़ी रात हो चुका है यार, काफ़ी रात हो चुका है। एंड ओके सर्फेंटेरा एंड मेरे को वहाँ पे केव दिखाई दे रहा है एंड मेरे को मिल गया मिल गया, यही वाला केव होगा फॉर श्योर गाइस, यही वाला केव होगा। एंड अब मैं हराने वाला हूँ ब्राउन चेरी एक्वा को भी एंड कौन हराएगा? नॉन अदर देन गाइस ऑर्ज़रग। इस बैटल में यार बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है यार, ऑर्ज़रग शायद से ब्राउन चेरी एक्वा को बहुत बहुत ज़्यादा गंदा फटका देने वाला है। ये गुफा ना छोटा हो के जा ही रहा है यार, ये कितना और छोटा होगा। एनीवेज मैं आ चुका हूँ आ चुका हूँ आ चुका हूँ। ओके ओके, अरे इतना अंदर की तरफ है क्या ब्राउन चेरी एक्वा? अरे मैं शेट यार, सी इज सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो सो रही है यार, ये सो रही है यार, सोते हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए आई थिंक। एंड सी इज लिटरली सो ब्यूटीफुल यार, सीरियसली कितनी सुंदर है यार, कितनी सुंदर है यार, यार इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वाओ, बट मैं इनको हराने वाला हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा यार ऐसे नाइंसाफी थोड़ी ना करेंगे भाई, आप बैटल करेंगे। चल आप मजा आने वाला है, आप मजा आने वाला यार, आप डेफिनेटली मजा आएगा। ओके ड्रैगन ब्रेथ से हमला करा। ओके अपना ट्राइडेंट यूज कर, अपना ट्राइडेंट यूज कर। ओके ये कमाल का इलेक्ट्रिक शॉक यूज कर रहा है। शेर भाई साहब, ऑर्ज़रग ऑर्ज़रग तू इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये अपना ट्राइडेंट मूव यूज करेगा फॉर श्योर गाइस, ये अपना ट्राइडेंट मूव यूज करेगा एंड करा 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 करा, खत्म खत्म नहीं हुआ ब्रो। एंड ओह शिट गाइस, मेरे ऊपर अटैक पड़ रहे हैं, ठीक है मेरे ऊपर अटैक पड़ रहे हैं। ऑर्ज़रग अभी तक तो हरा नहीं पाया ब्राउन चेरी एक्वा को, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। शिट चिट, मैं कहीं पे अटक चुका हूँ यार। ओ वाओ ब्राउन चेरी एक्वा कैसा लगा यार, कैसा लगा? ये है मेरा ऑर्ज़रग एंड ये फिर से अपना ट्राइडेंट अटैक ही यूज कर रहा है। काम माल का है ऑर्ज़रग, बट ऑर्ज़रग को भी फटका पड़ रहा है, ऑर्ज़रग को भी फटका पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑर्ज़रग इतना भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना है, ऑर्ज़रग इतना भी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं बना है, ठीक है। एंड गाइस ये ग्रास एंड वाटर टाइप है क्या ब्राउन चेरी एक्वा? ओके ओके ओके, फिर से ये ट्राइडेंट अटैक ही यूज कर रहा है। गुड 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 मूव, गुड मूव, तू आ जा एंड तू जा, अब ये जाएगा। अब गाइज मेरा अनुबिस आ गया, आप फटका पड़ेगा, आप फटका पड़ेगा, आप फटका क्या होता है ब्राउन चेरी एक्वा समझ जाएगी, ठीक है। एंड ये क्या हो गया गाइज, मेरे ग्लाइडर को क्या हो गया? ओए मेरे ग्लाइडर को क्या हो गया? ये मल फंक्शन, फिर से ये मल फंक्शन मेरे साथ ही होना था क्या? ओनो 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 ओनो, शायद से इस गुफा में यार ग्लाइडर चलते ही नहीं है, ठीक है। ओके गुड 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 गुड, मैं फिर से ऑर्ज़रग को भेजूंगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड देन ऑर्ज़रग को मैं फिर से भेजने वाला हूँ। ओके व्हाट टाइप ऑफ मूव इज दिस यार? ओके अरे अरे नहीं 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 नहीं, ओके बच गया हूँ बच गया हूँ।
ओके ये भी मेरे तरफ ही आ रहा है। एंड गाइज ये यार माइंड जैसा काम करता है यार। ओके चिप जाते हैं। एनीवेज गाइज अब मैं शायद से यार ब्रॉन्सरी एक्वा को पकड़ पाऊंगा। शिट ओ नो। ओके अब तुम आ जाओ यार। यार 399 में है यार एचपी। डेफिनेटली शी विल कम आई थिंक। एंड आ गई है, आ गई। वाओ बट मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। ऑर्ज़रक के पावर के बारे में तो यार क्या ही कहेंगे यार। ऑर्ज़रक इज नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग यार। ऑर्ज़रक इज नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग, ठीक है। एंड एक मिनट गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिला मुझे। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं डेफिनेटली लेकर के जाऊँगा। यहाँ पे रूबी मिला एंड पेंडेंट ऑफ डेलीगेंस। व्हाट इज दिस पेंडेंट ऑफ डेलीगेंस? चलो इसको फेंकते हैं। पेंडेंट ऑफ डेलीगेंस को उठाते हैं। ये पेंडेंट ऑफ डेलीगेंस क्या करेगा? एंड एसेसरी दैट स्लाइटली रेजेस वर्क स्पीड। अच्छा जी, नॉट बैड। अच्छा ठीक है ब्रदर, अब मुझे इधर से निकलना पड़ेगा। चलो इधर से निकलते हैं। एंड मैंने बोला ना आज तीन बॉस के साथ मैं टक्कर करके देखूंगा, तो अब तो मैं एक शक्तिशाली बॉस के साथ टक्कर मारने वाला हूँ। एंड वो शक्तिशाली बॉस कौन है पता है? नहीं पता है ना, मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं थर्ड बॉस किसके साथ पंगा लूँगा। मैं सोच रहा था कि यार पैनकिंग के साथ पंगा ले लूँ, बट पैनकिंग तो लेवल 15 बॉस है। 15 बॉस कुछ ज़्यादा ही वीक हो जाएगा। मैं ऑब्वियसली हराऊंगा यार, पैनकिंग बॉस को भी हराऊंगा, बट मुझे लग रहा है आज मुझे 47 लेवल के डिनोसम लग्स बॉस के साथ बैटल करके एक बार देखना चाहिए। क्या कहते हो, जाएँ क्या इधर ड्यून शेल्टर पे? चलो ड्यून शेल्टर पे जाते हैं एंड डिनोसम लक्स के साथ बैटल करते हैं। थोड़ी ही दूर में गाइस पैलाडियस भी है, तो मजा आने वाला है। लेट्स गो यार। 2000 years later. मैं ना ड्यून शेल्टर आया हूँ, तो डेफिनेटली इधर एक पाल मार्चन है, उसके साथ एक बार बात करके जाते हैं, ठीक है। कभी कभार ना पाल मार्चनों के पास अच्छे अच्छे वाले पाल भी होते हैं। तो कहाँ पे? ये तो वंडरिंग मार्चन है। पाल मार्चन इधर है ही नहीं ना। ओ पाल मार्चन इधर है ही नहीं क्या? बट पाल मार्चन को इधर होना चाहिए था यार। हाँ मुझे ये चीज़ पता है कि मैंने पाल मार्चन को पकड़ लिया था, पर इसका मतलब ये है कि और ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं होंगे क्या? ब्लैक मार्केट तो रिस्पॉन्ड होता है ना? पता नहीं यार, अलग ही चीज़ होके रखा है। एनीवेज एंड गाइज, मैं डिनोसम लक्स के अगेंस्ट यार ऑर्ज़रक को नहीं निकाल पाऊंगा। एनीवेज गाइज, यहाँ पर तो एक ब्लैक मार्केटर है, इसके साथ एक बार बात करके जाते हैं। चलो ओके, आई नो तू ट्रेडर है, तू पालों को यार बेचता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके पास कोई अच्छा वाला पाल तो है ही नहीं। एनीवेज फैन ग्लोब, लेट्स गो। ओके मेरे को एकदम तेजी से लेकर के जा, बहुत ज़्यादा फास्ट है यार। ये देख रहे हो कितना फास्ट है यार, टू कितना फास्ट है यार। एंड अब ना ये मेरे टीम में है, तो इसलिए मुझे यार चढ़ने का भी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मेरे को आराम से यार जंप कर करके यार मेरे को लेके जा रहा है, ठीक है यार। डिजर्ट एरिया में ये भी थक चुका है चढ़ के। कितना चढ़ेगा बेचारा, कितना चढ़ेगा? ओके इसका स्टेमिना आने देता हूँ। ओके लेट्स गो। अरे गिर गए। ओके 1 2 नहीं जा पा रहे हैं, बट ऐसा क्यों यार? ओके जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे यार? डेफिनेटली जा पाएंगे यार। फैन ग्लोब तो करके दिखा दे अपने भाई लोगों को। 1 2 नहीं, अरे यार नहीं, 1 and 2 आई थिंक ये नहीं कर पाएगा भाई। तो मुझे अब अपना ये ग्रैपलिंग गन यूज़ करना ही पड़ेगा। चलो एंड इधर ही कहीं पे होना चाहिए ये डिनोसम लक्स। एंड फॉर श्योर यार डिनोसम लक्स भी एक गुफा के अंदर ही छिपा होगा, फॉर श्योर। इधर ना एक गुफा होगा, चलो देखते हैं ये गुफा कहाँ पे हो सकता है। मे बी इस तरफ ही कहीं पे एंट्रेंस होगा गुफा का। ये है द फर्डेस्ट माइंड शेफ। लेट्स गो। खतरनाक फाइट होने वाला है, ठीक है। एंड इस फाइट में मेनेस्टिंग बहुत काम का आएगा, क्योंकि मेनेस्टिंग एक ग्राउंड टाइप है। एंड यार अनुबिस तो काम का आएगा ही, मेनेस्टिंग एंड अनुबिस ही इस गेम का मेन हीरो होगा, ठीक है, इस फाइट का मेन हीरो होगा। तो पहले चलो गाइस इसको निकालता हूँ। 3878 है, चलो आई एम रेडी। ये सो रहा है यार, ये बहुत बड़ा है यार। चलो फाइट करते हैं, फटका इसको बोलते हैं। डायरेक्ट 3878 से डायरेक्ट ओ मैं ऐसा ही यार टेंशन में था यार। अनुबिस तो इसको कुछ ज़्यादा ही पेल रहा है, बट ये देख रहे हो यार ये झटका कैसा लगा यार, ये झटके कैसे लगे यार। एंड ये यार मेरे पास अल्ट्रास्पियर है, 10 है अल्ट्रास्पियर। मैं चिप रहा हूँ, ये मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है क्या? मैं तो भागूंगा ही यार। 1647 भाई,
यार अनुबिस, इसको खत्म मत कर देना। अरे 1083? अनुबिस तू इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है पता नहीं, तू आ जा भाई एंड तू मेरे टीम में आ जा भाई। यार मेरे को लगा ही नहीं था कि ये बैटल इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, बट हाँ गाइज ये बैटल इतना जल्दी ही खत्म होगा। खत्म आई थिंक नहीं। अरे आ जा भाई, तेरा हेल्थ देख भाई 551। जीत मत कर भाई, जीत मत कर और आ जा। नहीं आएगा क्या? आई थिंक 47 लेवल का है इसलिए नहीं आ रहा है क्या? आ गया। मेरे को यार लगा ही नहीं था कि मैं डिनोसम लक्स बॉस को ऐसे पकड़ पाऊंगा, बट हो गया पॉसिबल। दिस इज बिकॉज ऑफ अनुबिस। यार आज का एपिसोड काफी मजा आया, आप लोगों को कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो, बाय बाय, चेक सायोनारा। और हाँ गाइस अगला एपिसोड मतलब नाइट एंगल का भी आज एपिसोड आने वाला है, ठीक है। बोल्ड भाई 2 एपिसोड्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और हाँ सपोर्ट कर देना। वो कीबोर्ड मेरे को खरीदना है एंड आप लोगों को भी देना है। लव यू गाइस, टेक केयर।